नमस्कार, आइए आपकी जन्म पत्री पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले दूंगा मैं आपको एक जरूरी सूचना। अगर आप अपनी जन्म पत्री से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो एनालिसिस चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे गए दिए गए नंबरों पर डिस्क्रिप्शन में जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, आपकी जन्म पत्री वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी जन्म की राशि है मेष राशि। चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक लगन मंगल का लगन, मंगल की दूसरी राशि है, जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, स्वभाव में स्थिरता देती है, जल तत्व स्वभाव में गहराई भी देती है, यानी व्यक्ति इमीडिएट एक्शन लेने से बचता है, जीवन में इमीडिएट एक्शन लेने से बचेगा, साथ ही साथ स्वभाव में स्थिरता रखते हुए किसी भी चीज़ पर गहन अध्ययन सोच करने में सक्षम होता है। यानी अपने जीवन में कौन सा काम कब करना है, किससे कब कौन सी बात कहनी है या कब उससे बदला लेना है, वो अपने दिमाग में रखता है और समय आने पर उस कार्य को वो पूरा भी करता है। अच्छा लगन माना जाता है वृश्चिक लगन, क्योंकि इसके अंदर स्थिरता बहुत होती है, जलीय तत्व की राशि है तो गहराई भी बहुत होती है, क्योंकि वृश्चिक का मतलब कहता है जो बिच्छू। तो स्वभाव में गोपनीयता भी होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर इसको अष्टम भाव की राशि कहा गया। चलिए लग्नेश लगन को वापस देखता है। जब भी लगन का मालिक लगन को वापस देखे तो ये मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो स्वयं अपने बल पर जीवन में कुछ करने में सक्षम है। सातवें घर में देखिए आप, मंगल है, शुक्र की राशि में, शुक्र के ही साथ है। लग्नेश जब सप्तम में हो, सप्तमेश शुक्र के साथ हो, कारक शुक्र के साथ हो, तो व्यक्ति की जो एक तरीके से जीवन जीने की जो कला है वो थोड़ी सी डिफर होती है लोगों से। व्यक्ति थोड़ा सा लंबे समय तक एक्टिव रहने में सक्षम है, चेहरे पे भी चमक होती है, जवान रहने में सक्षम होता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो बिल्कुल जवान हैं। मंगल सेनापति हैं, शुक्र अपने आप में सुंदरता का प्रतीक है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर किसी कुंडली में 7th हाउस में दिखाई दे, तो मैंने ऐसे लोगों के जीवन में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण देखा है। जीवन में बहुत कम संभव ऐसा देखा है कि उनके जीवन में किसी अदर व्यक्ति का इंटरफेरेंस ना हो। मैं यहाँ स्त्री की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनकी लाइफ में रहता है, चाहे वो शादी से पहले हो, कभी कभी शादी के बाद भी देखा जाता है। और व्यक्ति के जीवन में मैंने ऐसी कंडीशंस भी देखी हैं कि उसका कोई मनमर्जी का विवाह या प्रेम विवाह या खुद की इच्छा रखने वाला विवाह होने की भी संभावना दिखती है। मंगल और शुक्र की ये युति नवांश कुंडली में भी देखी गई है। ये देखिए 11th हाउस में मंगल और शुक्र दोनों बैठे हुए, तो रिपीटेशन हो रहा है इस कॉम्बिनेशन का। अच्छा है, इस कॉम्बिनेशन को सुख साधन के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र धन भाव से भी संबंध रखते हैं। लेकिन अगर मैं शुक्र की लगन से इस हॉरोस्कोप को देखूँ, तो शुक्र से 7th हाउस पे दो मैलेफिक प्लेनेट मंगल और शनि का प्रभाव भी है। इसमें एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है, बीच में शुक्र है। बहुत चाहे स्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोगों का अंदरूनी तौर पे वाइफ से जो रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम होती है। शुक्र का 7th हाउस में होना ब्यूटी देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्नी को अच्छी दे देगा, पत्नी को चरित्रवान दे देगा, पत्नी को सुंदर दे देगा, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे ही देगा। शनि चतुर्थेश है, लग्नेश चतुर्थेश जब एक साथ में हो, तो लग्न में हम स्वयं है, हमारी बॉडी है, चौथे घर का मालिक है शनि, वाहन जमीन ज़्यादा सुख साधन देता है। शुक्र तो पहले से ही वाहन का कारक कहा गया है, तो उन चीज़ों का भोग भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठे, दूसरा घर वाणी के लिए अच्छा है, यानी बोलचाल की भाषा से जुड़े हुए काम जीवन में करेगा व्यक्ति, सलाह देने के काम करेगा अच्छा रहेगा। कुटुंब में कोई काम हो रहा हो उसको ही अपना ले तो भी अच्छा रहेगा, यानी कुटुंब में कोई व्यवसाय चल रहा हो उसी के साथ में काम करना शुरू कर दें वो अच्छा, वाणी से जुड़ा काम कर दें तो अच्छा। शुक्र को मेष लगन में यानी काल पुरुष में सेकंड लॉर्ड कहा गया है। बृहस्पति आपका सेकंड हाउस में बैठा है। सवाल आपका, क्या ज्योतिष को मैं अपना भविष्य बना सकता हूँ, या ज्योतिष से मैं अगर कुछ कमाई कर सकता हूँ, क्या ज्योतिष एज ए प्रोफेशन मेरे लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके हॉरोस्कोप के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशंस तो ये है, शुक्र केंद्र में है, बृहस्पति सेकंड हाउस में है और बुध जो है पंचम भाव में, यानी ऐसे लोग जीवन में ज्योतिष पढ़ सकते हैं, ज्योतिष उनके दिमाग में आ भी जाएगा
और वो अगर किसी को भविष्यवाणी करेंगे तो वो भविष्यवाणी सही भी रहेगी। तो वो स्थितियाँ आपकी इस कुंडली के अंदर साफ तौर पर दर्शित होती हैं। तो आप चाहें तो एज ए प्रोफेशन भी साइड बाय साइड ज्योतिष को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको चिंतन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आपके ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके ज्योतिष को पीछे ले जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष को पकड़ने के लिए जब आप बात होगी थोड़ी मोड़ी तौर पे, आपने ज्योतिष की किताबें पढ़ी, आपकी प्रेडिक्शन ठीक होने लगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जितना ज़्यादा मोह छोड़ेंगे, अट्रैक्शन को छोड़ेंगे, उतना ज़्यादा ज्योतिष आपके पास होगा। और जितना ज़्यादा दिमाग में अट्रैक्शन रहेगा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहेगी, या आपका विचार, आपकी सोच ज्योतिष की तरफ ना जाके सामने बैठे हुए क्लाइंट की तरफ जा रही है या अन्य तरफ जा रही है, या इसको कहते हैं भौतिक सुखों के प्रति जा रही, तो उतना ही ज्योतिष आपसे पीछे चलता चला जाएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए आपको अपने मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं। चलिए, सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपके हॉरोस्कोप में, छठे घर में है। सूर्य चंद्रमा 6-8-12 में कॉम्बिनेशन दिखाई दे, लग्न में दिखाई दे, तो मैंने बहुत देखा है आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं, नेत्रों के रोग को या आँख कमज़ोर हो जाना, ऐसा देखा गया। बाकी ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान का मालिक छठे घर में एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, अपने से भाग्य भाव में बैठा हुआ अच्छा प्लेनेट है, मेहनत कराएगा लेकिन आपको उसका फल भी दे देगा। बुध की स्थिति अपने आप में बेहतर है। देखिए, मंगल अपने राशि को देख रहा है, लगन को मजबूत करता है, शनि अपनी राशि को करता है, चौथे घर को मजबूत करता है, बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है, बुध अपने घर को देख रहा है, सूर्य यहाँ उच्च का हो गया। तो हॉरोस्कोप के अगर लगन कुंडली को देखो तो बहुत ऊँची अच्छी है। जब लगन कुंडली में इतना ज़्यादा बल होता है तो कभी कभी देखा गया व्यक्ति अच्छे घर परिवार से संबंधित हो जाता है, वहाँ उसको जीवन में किसी न किसी प्रकार से सुख साधन मिलते रहते हैं। और आपकी नवांश कुंडली में भी ये स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर हुई है, जो कि आज हॉरोस्कोप के लेवल को बढ़ाती है। ये हॉरोस्कोप कोई ख़राब हॉरोस्कोप का लेवल इसका नहीं है। आप देखिए, नवांश में सूर्य जो यहाँ दशमेश है वो वहाँ लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा हुआ है, साथ ही साथ बृहस्पति लग्न में बैठे हैं पंचमेश होकर, ये भी अपने आप में अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में है, बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल देखिए इस कुंडली के लिए योग कारक है और दशमेश शुक्र के साथ है 11th हाउस में, ये अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। तो हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ देखिए, बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन भी किया है। राशि परिवर्तन का योग बहुत सारे राजयोगों पर अकेला भारी होता है। तो कुल मिला के सिचुएशंस, ग्रहों की स्थितियाँ लग्न कुंडली में भी बेहतर रही हैं, नवांश में भी बेहतर हुई हैं। अब बात आती है कि सही समय पर सही दशा मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, बात करता हूँ मैं आपकी राहु की महादशा से। राहु की महादशा 2015 से शुरू हुई, जुलाई 2015 राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए आपके जीवन में आई। प्लेसमेंट राहु 3rd हाउस में, तीसरे घर में राहु हो, कहते हैं 3, 6, 11 में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे तो अच्छे होते हैं। अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि तीसरा घर इच्छाओं का भाव है, 11वां घर भी इच्छाओं का भाव है। जब कोई मैलेफिक प्लेनेट 3rd हाउस में बैठता है तो आपके साहस के करने की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होता है, आपकी इच्छाओं को दबाने में सक्षम होता है। राहु अपने आप में भले ही मैलेफिक है लेकिन तीसरे घर में शनि की राशि में बैठकर खुश होता है। कहते हैं शनिवत राहु, राहु के स्वभाव में शनि के गुण भी देखे गए हैं। अब राहु शनि की राशि में बैठा है तो राहु की पोजीशन अपने आप में ठीक, डिपेंड करता है शनि कहाँ है। शनि 7th हाउस में, शुक्र के साथ है, शुक्र स्वग्रही है, मंगल के साथ है, मंगल लग्नेश है, 7th हाउस में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव क्या है? पत्नी से सहयोग दिला सकता है राहु की दशा में। सप्तम भाव 7th हाउस पब्लिक इमेज है, आपको सामाजिक स्थिति को बेहतर कर सकता है राहु की दशा। साथ ही साथ पार्टनरशिप के भी ऑप्शन आपके सामने 7th हाउस में खुलते हैं, तो इस दौरान आपको किसी ना किसी प्रकार की पार्टनरशिप का भी योग बनता है, क्योंकि राहु ने जो कनेक्शन बनाया है वो यहाँ। अब तीसरे घर का राहु यात्राएं, स्थान परिवर्तन, शॉर्ट जर्नीज, यात्राओं के द्वारा कमाना, कम्युनिकेशंस के द्वारा कमाना, मित्रों के साथ जुड़कर कमाना, वो सारी सिचुएशंस भी यहाँ दिखाई
दे रही हैं। नवांश में मैं देखना चाहूँगा राहु को, नवांश में राहु एट्थ हाउस में, प्लैनेट एट्थ हाउस में है, थोड़ी सी तकलीफ देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कहूँगा। राहु केतु का धन स्थान से संबंध बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ देखिए राहु का धन स्थान संबंध बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति लग्न में बैठा है, यानी यहाँ भी राहु ने की सिचुएशंस ठीक है। दशमांश कुंडली में प्रॉब्लम है, यहाँ राहु योग कारक मंगल की राशि में है लेकिन द्वादश भाव में नीच का है। अब ग्रह जिसकी राशि में बैठा है वो ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, यानी मंगल की स्थिति, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है, बारहवें घर में मंगल बैठा है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकता है। कभी कभी आमदनी तो तैयार हो रही है लेकिन खर्चे भी तैयार हो रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस कभी कभी ऐसी मेहनत भी करवा सकता है बिना बात की मेहनत, कि जी मैंने उस दौरान काफ़ी एफर्ट्स किए, मेहनत किए, खर्चा किया, यात्रा किया लेकिन उससे मुझे उतना लाभ नहीं हुआ। क्योंकि जब जब हम दीप्त आदि अवस्था पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ऊपर प्लैनेट कहा गया है उच्च का, उस सबसे नीचे प्लैनेट कहा गया है नीच का, उसके बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, मित्र है, शत्रु राशि का है, सम राशि का है, स्वग्रही है, मित्र के साथ है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब ग्रह नीच का हो तो व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराता है। तो आपके हॉरोस्कोप में कर्म फल में, ये सिर्फ कर्म फल की बात है क्योंकि मेन काम है प्रोफेशन, प्रोफेशन देखने के लिए D10 में जाना पड़ेगा, लग्न कुंडली में जाएंगे तो शायद गलत हो जाएगा। लेकिन राहु यहाँ मंगल की राशि में है, ट्वेल्थ हाउस में है लेकिन मंगल योग कारक है। अब मंगल का संबंध देखिए आप, मंगल बारहवें घर से संबंधित है, दूर स्थान से जोड़ेगा, राहु देखिए यहाँ यात्राओं से जोड़ रहा है, मंगल दूर स्थान से जोड़ रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पे, शॉर्ट जर्नीज, यात्राएं, दूर स्थान से जुड़ना, विदेशों से संपर्क साधना भी आपके लिए राहु दशा में अच्छा रहेगा। राहु सिक्स्थ हाउस को भी देखता है, राहु सेवन्थ हाउस को भी देखता है, बुध से भी कनेक्शन बनाता है, तो ऐसी बात नहीं है, ख़राब दशा नहीं है आपके लिए राहु की। आपने मुझसे एक सवाल किया स्टेबल बिजनेस, स्टेबल बिजनेस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि राहु मंगल की राशि में और मंगल नीच का है। आप राहु को यहाँ देखिएगा, थर्ड हाउस में आपकी हिम्मत तो बंधा रहा है लेकिन सिक्स्थ हाउस आपके कर्म भाव से छठे घर में बैठा हुआ, छठे घर में प्लैनेट बैठे तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराता है, व्यक्ति को लगता है मेरा प्रोफेशन उतना बेहतर नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, या जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। वर्तमान में चल रही है राहु में बृहस्पति जो कि अगस्त 20 में ख़त्म हो जाएगी। बृहस्पति की पोजीशन को यदि मैं देखूँ, देखिए आपके लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में, नवांश में लग्न में बैठा है और यहाँ देखिए सूर्य और शनि के साथ बैठा है। दशा ये खराब नहीं है, बात यह कि आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन दशा ये खराब नहीं कह सकता मैं, ये कोई ख़राब दशा नहीं चल रही है आपको इसमें। हाँ, स्टेबिलिटी, काम में पूर्ण मजा ना आना, वो चीज़ तो यहाँ साफ दर्शित है, वो राहु की वजह से है क्योंकि राहु महादशा का मालिक है। अंतरदशा का जो लॉर्ड है वो मजबूत है लेकिन महादशा का जो लॉर्ड है वो इतना बढ़िया नहीं है। राहु को अगर आज के समय में आप गोचर में देखोगे तो एट्थ हाउस में चल रहे हैं, चंद्रमा से तीसरे में है लेकिन लगन से अष्टम में चल रहे हैं। उसके बाद अगस्त 20 के बाद आएगी आपको राहु में शनि, शनि का ट्रांजिट थर्ड हाउस में, शनि मंगल शुक्र के साथ बल दे रहे हैं, चतुर्थेश हैं, सेवंथ हाउस में भी आ रहे हैं, यहाँ भी सेवंथ लॉर्ड है और यहाँ भी सेवंथ लॉर्ड है, यानी राहु शनि में काम तो चलेगा, संभवतः आपके लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, आप पार्टनरशिप से जुड़ के काम करेंगे और ये कोई ख़राब इंडिकेशन नहीं है। आप पार्टनरशिप से जुड़ के अगर काम करते हैं तो आपके लिए कोई ख़राब सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि दशमांश में देखिए आप उच्च का सूर्य और पंचमेश बृहस्पति आपके शनि को बल दे रहे हैं, मंगल की राशि में सारे प्लैनेट बैठे और मंगल बैठा ट्वेल्थ हाउस में, यानी पार्टनर दूर का हो सकता है, विदेश का हो सकता है, विदेश से काम करने का मौका मिल सकता है क्योंकि ये सारे प्लैनेट देख भी तो तीसरे घर को रहे हैं, बैठा मंगल की राशि में, मंगल ट्वेल्थ है, तो आपकी लाइफ में बार बार बाहर के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि शनि यहाँ थर्ड लॉर्ड है, राहु में शनि, शनि की राशि में, तो आने वाले समय में पार्टनरशिप के योग अगर आए तो बिल्कुल उनको कैच करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपके इस हॉरोस्कोप में दर्शित हो रहे हैं। साथ ही साथ मंगल का बहुत ज़्यादा रोल है आपके हॉरोस्कोप, सभी जगह मंगल का रोल है। देखिए मंगल चौथे घर को, चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखता है,
सूर्य मंगल की राशि में है। यहाँ देखिए सूर्य फिर से मंगल की राशि में है, शनि मंगल की राशि में बैठा है, यहाँ देखिए राहु मंगल की राशि में है, यहाँ देखिए सूर्य बृहस्पति शनि सब मंगल है। अब मंगल का इतना ज़्यादा रोल आता है तो कंस्ट्रक्शन, भूमि जमीन जायदाद रोड़ी बदरपुर बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स हार्डवेयर ये सारे काम, अग्नि से संबंधित काम, फायर रिलेटेड काम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम, वायरिंग तार से संबंधित काम, ये सारे काम आपके जीवन के कैसे काम है जिनको अगर आप एज ए बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेंगे। बाकी अप्स एंड डाउन दशाओं पर निर्भर करता है, लेकिन उसके लिए है कि बार बार हर दशा के हिसाब से काम चेंज किया जाए। साइड बाय साइड ज्योतिष करना ठीक है, क्योंकि आपका जो ज्योतिष जब चलने शुरू होगा बढ़िया, वो शुरू होगा सर जाके, अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से उसमें, जब राहु में बुध आएगी तब थोड़ा ज़्यादा चमक सकता है वो, उसके लिए अभी टाइम है, अपना प्रयास जारी रखिएगा। तो स्टेबल बिजनेस के बारे में भी देखें तो बताया है, भविष्य में ज्योतिष के बारे में भी बताया है, परिवार सुख पैसे की स्थिति तो देखो फ्लो ठीक रहेगा सर आपको आगे धीरे धीरे, परिवार सुख के बारे में बस यही है कि थोड़ी सी पीड़ा जो मैंने आपको ये शुक्र मंगल शनि की बताई, हो सकता है आपकी वजह से ही कुछ ना कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो रही हों, आपकी वजह से ही कोई ना कोई गलती हो रही है, नहीं तो चार्ट ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा विवादित चार्ट ये नहीं है। हाँ शुक्र से सेवन हाउस पे मंगल शनि की पीड़ा है, बाकी आपके जीवन साथी के चार्ट पे भी ये चीज़ निर्भर करती है कि उसका चार्ट कैसा है, यदि उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। राहु की दशा शनि की राशि में, मंगल का बार बार सभी जगह रोल, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। शनिवार की शनिवार शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें, रोजाना नियम से सुबह को नहाए धोए और भगवान गणेश का स्तोत्र पाठ करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसके बाद बजरंग बाण पढ़े और शनिवार की शाम को करें सुंदरकांड का पाठ। ये तो आपके लिए एक रेमेडी है जो रेगुलर इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि सब जगह आपकी राशि का भी मालिक मंगल है, लग्न का भी मालिक मंगल है, शनि को कंट्रोल करने वाला मंगल है, ग्रह भी मंगल से ही प्रभावित है, तो हनुमान जी के बिना तो कुछ नहीं होगा आपका। साथ ही साथ पुखराज रत्न पहनना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बाकी स्त्रियों के मैटर से जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप के लिए कोई आए तो कोई वो महिला ही हो, लेकिन उसको पार्टनरशिप तक ही सीमित रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, जो उपाय बताएं, जो ध्यान आपको बताया कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उनका आप ध्यान रखिएगा, उपाय लगातार कीजिएगा। नमस्कार।